एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब कभी आप इसका इस्तेमाल करें तो आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जाके, आपके सिस्टम में जाके और ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है, स्पेशली जब आप इसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, वाइटमिन ई, वाइटमिन सी, वाइटमिन बी, ट्रिप्टोफैन होता है। जब ये वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन बी, तो ये आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। क्या चिया सीड्स के इस्तेमाल से बेली फैट रिड्यूस होता है? क्या चिया सीड्स के इस्तेमाल से वेट लॉस होता है? जब आप इसे अपने मील्स में, डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या अमेजिंग और मैजिकल किस्म की चेंजेस आती हैं? कितनी डोज इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसके इस्तेमाल करते वक्त, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करना मुफीद है और किस कंडीशन में इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है, राइट? जो चिया सीड्स है ना, इसको सुपर फूड रैंक किया गया है दुनिया में। और क्यों? इस वजह से कि इसका एक तो साइज कम होता है, लो कैलोरी सीड्स हैं ये, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और ये डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बेली फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल है और आपका वेट लॉस करने में भी हेल्पफुल है। बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्पफुल मीन्स ये आपको फैट लॉस को भी प्रोमोट करता है और वेट लॉस को भी प्रोमोट करता है। किस तरह से, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखें चिया सीड्स, ये देखें इसकी आप शेप देखें और इसके कलर्स देखें। ये ब्लैकिश ग्रे कलर का होता है, वाइट कलर का भी होता है, इस तरह के टाइनी सीड्स होते हैं। और इसको सुपर फूड इस वजह से रैंक किया जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन चाहिए होता है, गुड फैट्स चाहिए होते हैं, फाइबर चाहिए होता है। तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं जो कि गुड फैट्स हैं, और इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है। और ये तीनों चीज़ें आपको प्रमोट करती हैं आपके फैट लॉस को, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर रही होती हैं। और इन तीनों चीज़ों के अलावा इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, वाइटमिन ई, वाइटमिन सी, वाइटमिन बी, ट्रिप्टोफैन होता है। जब ये वाइटमिन सी, वाइटमिन ई, वाइटमिन बी, तो ये आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा है। और ट्रिप्टोफैन है तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा है इसका इस्तेमाल। तो जब आपकी नींद प्रॉपर होती है तो ये आपको फैट लॉस में हेल्प करता है, अच्छी नींद। और इसके अलावा जिन लोगों को इंसोमिया का प्रॉब्लम है वो भी फिक्स होता है। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये फिक्स करता है तो ये डायबिटिक्स के लिए और जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये तोहफा है, स्पेशली और प्री डायबिटिक्स के लिए भी। पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें चिया सीड्स के इस्तेमाल से फिक्स होती हैं। और मर्द हजरात में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल्स होता है वो बूस्ट होता है इसके इस्तेमाल से, और उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है। इसका बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। वैसे तो इसकी तासीर ना ठंडी है ना गर्म है। आप इसे समर्स में तो खैर इसका बड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे विंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हम डाइट कोई भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें क्या हो रहा होता है, हमें प्रॉब्लम्स कि हमें भूख लग रही होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर हमें क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं या मूड स्विंग्स होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन चिया सीड्स में है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है चिया सीड्स का वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल, आप जो है वो इसे ड्राई फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसे सोक करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसकी अफादियत आपको मिल जाएगी, राइट? अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करके रखना चाहते हैं आप ओवरनाइट सोक करके रख दें, निहार मुंह आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, एक टेबलस्पून आप नीम गर्म पानी में सोक करके रख दें, या फिर अगर आप आधा घंटा भी इसे सोक करके रख देंगे तो उसके बाद भी अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो भी इसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। और आप इसे अपने मील्स में स्प्रिंकल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे सैलड्स पे स्प्रिंकल कर लें, अपने मील्स पे स्प्रिंकल कर लें, राइस बनाए में तो उस पर ऐड कर लें, सैलड्स बनाई हुई उसमें ऐड कर लें, जो आपका आटे का जो डो होता है आप उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फ्रूट सैलड ले रहे हैं ना तो फ्रूट सैलड के साथ अगर आप थोड़ा सा दही ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रोटीन की फॉर्म में आप जो है वो चिक पीस या चिकन आपने ऐड कर लिया, जैसे दही ऐड किया उसके बाद फिर चिया सीड्स भी ऐड कर लिया, थोड़ा फ्रूट भी ऐड कर लिया, तो फ्रूट इस तरह से भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा प्रोटीन इसकी फॉर्म में प्रोटीन भी आ जाएगा, फाइबर भी आ जाएंगे, गुड फैट्स भी आ जाएंगे, तो फ्रूट से बढ़ने वाला जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, लो कैलोरी भी है,
तो आप इसे कंप्लीट मील के तौर पे ले सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोटी चावल की क्वांटिटी अगर आप कम रखेंगे और बाकी चीज़ों को आप ऐड करेंगे हेल्दी ऑप्शंस के साथ इसको, तो फिर आपका फैट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। और अगर नाश्ते में अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि चिया सीड वाटर की फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको एग्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे इसमें भी प्रोटीन है, आपने एग्स ले लिए, थोड़े से नट्स ले लिए, या आपका बेहतरीन सा बादशाही नाश्ता हो जाएगा जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप इसे लेमन वाटर, जैसे गर्मियाँ हैं अभी तो आप इसे लेमन वाटर में भी आप इसे ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दही की लस्सी बना के ग्रीक योगर्ट के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगी, आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। और अगर आप इसे रात में एज ए मील आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसे गर्म दूध में आप इसे एक टेबल स्पून इसको रख दें सूख होने के लिए। फिर जब आधे घंटे में इसका साइज़ जब इंक्रीज़ हो जाएगा, आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर लें, और आप इसे एज ए कम्प्लीट मील कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ आप अंडों की एग वाइट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या कोई भी प्रोटीन कॉन्टेंट आप ले सकते हैं, कबाब ले लें, चिकन ले लें। ठीक है, तो यह आपका एक कम्प्लीट मील हो जाएगा। जिन लोगों को मिल्क सूट करता है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, और अगर मिल्क ऑर्गेनिक नहीं होता तो उनके डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। सही है, तो मिल्क ऑर्गेनिक होना चाहिए। आमंड मिल्क में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोटीन कंटेंट के साथ अगर आप इसे कंज्यूम कर लेंगे तो आपको बाकी सारे मील्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट मील हो जाएगा। और दूसरा ये के क्योंकि मिल्क के अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है और इसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी स्लीप को प्रमोट करती हैं। तो जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती रात में, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपकी नींद प्रॉपर होती है तो वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करता है इस तरह से इसका कंज्यूम करना। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब कभी आप इसका इस्तेमाल करें तो आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जाके, आपके सिस्टम में जाके और ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फूल जाता है, स्पेशली जब आप इसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितना आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे ये आपके सिस्टम में ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अदरवाइज अगर पानी की क्वांटिटी कम होती है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और जिन लोगों का बवासीर का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, किन लोगों को एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप किसी मेडिकेशंस में हैं, या फिर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, या जो डायबिटिक्स हैं वो अपनी मेडिकेशंस लेते हैं, तो ये इंटरेक्ट कर सकता है उन मेडिकेशंस के साथ, मजीद आपका बीपी लो हो सकता है, या मजीद आपके ग्लूकोज के लेवल जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो आपने अपनी दोनों चीज़ों को मॉनिटर करना है जब आप इसे डाइट में शामिल करें। और पूरे दिन में 2 टेबल स्पून चिया सीड्स आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, तो बिल्कुल भी आपने इंतज़ार नहीं करना है। तो आज से ही आपने इन मैजिकल चिया सीड्स को अपनी डाइट में करना है शामिल। और देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि दिनों में आपका बेली फैट रिड्यूस हो चिया सीड्स के साथ साथ, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, रोटी चावल की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, ऑयल को और सॉल्ट को आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है, और बाहर की चीज़ें, पैकेट की चीज़ें, बेकरी आइटम्स, जूसेस, ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को छोड़ दें कुछ अर्से के लिए। हनी और जैगरी, जो शहद और गुड़ होता है, इसका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। जितने मील्स जो मैंने आपको बताया उसे अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो स्टीविया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी नींद का ख्याल रखें, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, इसके इस्तेमाल से ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, फिर आपको बहुत ही गजबनाक किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे चिया सीड वाली डाइट से, और आपका बेली फैट हो जाएगा बाय बाय हमेशा के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।